हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद की पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, प्राथमिक स्तर पर हिंदी विषय के अंतर्गत साप्ताहिक कार्यशीट में आज प्रस्तुत है सीट क्रमांक 18। आइए पढ़ते हैं अनुच्छेद 1। मैं बाथरूम में खड़ी थी और माँ मुझे साबुन से रगड़ रही थी। लगता था जैसे वे रोगाणुओं के विरुद्ध युद्ध कर रही है। माँ चाहती थी कि मैं बिल्कुल साफ हो जाऊं ताकि वे साफ चादर गंदी ना हो जाएं जिन्हें उन्होंने पत्थर से रगड़ रगड़ कर धोया था। जब मेरा स्नान समाप्त हो गया तो मैं अपने बिस्तर पर अकेली लेट गई। मैंने पहले अपने तकिया से बात की, फिर अपने काल्पनिक मित्र से और अंत में अपने बिस्तर के नीचे छिपे ड्रैगन से, जो असल में मेरा मित्र था। मेरी माँ को स्वच्छता की सनक है और वह घर में थोड़ी सी भी धूल नहीं रहने देती है। धूल के विरुद्ध उनकी लड़ाई खाना पकाने की उनकी धुन के समान है। हमारे घर में सदा भोजन की सुगंध आती रहती थी जिसे वे स्वयं बड़ी सावधानी से पकाती या फिर बेक करती थी। उनके बनाए केकों, बिस्किटों या कप केकों की मोहल्ले में चर्चा रहती थी। मुझे उनके केक और चॉकलेट कुकीज बहुत प्रिय थे जो मेरे मुंह में ही पिघल जाते थे। वह बड़ी उदार थी और हमारे पड़ोसियों को सदैव ताजे बने बिस्किटों की खेप मिल जाया करती थी। आइए बच्चों, अब हम अनुच्छेद के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, हमें कैसे पता होता है कि माँ को खाना पकाना प्रिय है? तो इसका उत्तर डी सही है, वह पड़ोसियों को उदारतापूर्वक देती रहती थी। माँ बच्ची को सदा बहुत स्वच्छ रखना चाहती थी, क्योंकि इसका उत्तर बी सही है, वह नहीं चाहती थी कि उसकी चादरें गंदी हों। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, अपने नहा लेने के बाद बच्ची क्या नहीं करती थी? तो इसका उत्तर बी सही है, माँ से बात। चौथा प्रश्न, पड़ोसी किसके बारे में चर्चा करते थे? तो इसका उत्तर सी सही है, माँ की बेक की हुई चीजों के बारे में। पांचवा प्रश्न, सनक होना का अर्थ है? इसका उत्तर भी सही है, निरंतर चिंतित रहना। आइए बच्चों, अब हम अनुच्छेद 2 पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में बाजार लगने के दिन बच्चे, महिलाएं और पुरुष आनंदित रहते हैं। कृषकों के लिए यह अपनी सब्जियों और अनाज तथा उन सारी वस्तुओं को बेचने के लिए अच्छा स्थान है जो वे अपने खेतों में उगाते हैं। बड़े सवेरे किसान अपनी बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों पर अनाज भरे बोरे और फलों तथा सब्जियों से भरी टोकरियां लाद देते हैं। वे अपनी उन बकरियों, भेड़ों, गाय, भैंसों तथा मुर्गियों को भी ले जाते हैं जिन्हें वे बाजार में बेचना चाहते हैं। बाजार से उन्हें कुछ चीज़ें खरीदनी भी होती हैं। उन्हें कपड़ों और मसालों की और बहुत सारी घरेलू वस्तुओं की आवश्यकता होती है। वे चीज़ें उनके खेतों में सरलता से उपलब्ध नहीं होती। चूड़ी वाले से महिलाएं रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां खरीदती हैं। आग जलाई जाती है, पकौड़े, पूड़ियां और सब्जियां पकाई जाती हैं। समोसे और गन्ने का रस भी बड़ा लोकप्रिय होता है। बच्चे अपने दोस्तों के साथ चारों ओर दौड़ते फिरते हैं। झूलों या चक्करदार हिड़ोरों पर सवारी करते हैं। बाजार का दिन सबको प्रिय होता है। आइए बच्चों, अनुच्छेद के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, बच्चे बाजार में क्या करते हैं? तो इसका उत्तर सी सही है, दोस्तों के साथ आसपास खेलते हैं। ये बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं, गांव में बाजार का दिन किसानों के लिए अच्छा दिन क्यों होता है? तो इसका उत्तर बी सही है, यह किसानों द्वारा उगाई गई चीज़ों को बेचने के लिए अच्छी जगह है। तीसरा प्रश्न, किसान अपनी सब्जियों और अनाज को बाजार में कैसे ले जाते हैं? तो इसका उत्तर बी सही है, अपनी बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों में भरकर। चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों, किसान बाजार में और क्या क्या ले जाते हैं? तो इसका उत्तर ए सही है, पालतू जानवर और मुर्गियां। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका अर्थ बोरे है? तो इसका उत्तर बी सही है, थैले। इसी के साथ आज के अनुच्छेद की सीट समाप्त होती है। कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।